नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज संडे है और मार्च की 19 तारीख है और सुबह के करीब 10:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो भी सब्जियों के सीड लगाए थे तो उनमें से कौन कौन से सीड ग्रो हो गए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, और कौन से प्लांट में या वाइन में सब्जियां आनी शुरू हुई है और कौन से में नहीं। और साथ ही साथ जो भी किचन गार्डन में रेडी हो रहा होगा तो उसको भी आपके साथ हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं अब अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सब्जियां रेडी हो गई हैं और कौन सी नहीं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने बैंगन के पौधों के साथ में। तो आप देख सकते हैं बैंगन के पौधे कितने बढ़िया चल रहे हैं और फूल कितने ज़्यादा इनमें आए हुए हैं और बैंगन भी पौधों में रेडी हो गए हैं। तो ये एक बैंगन लग रहा है तो इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक इसको छोड़ेंगे तो ये क्या है, प्लांट में लगा लगा ही ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हैं कई बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ भी इस वाले प्लांट में भी ये एक नीचे की तरफ लग रहा है बैंगन, ये रहा, तो इसको भी बिल्कुल हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये भी बैंगन का ही प्लांट है, इसमें फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन अभी इसमें एक भी बैंगन नहीं बना है। पता नहीं क्या बात है लेकिन एक भी बैंगन नहीं बना है। और इस वाले प्लांट में आप देख सकते हैं ये चार बैंगन लगे हुए हैं, तो इनको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों, ये ना बड़े वाले मतलब मोटे वाले बैंगन हैं, तो एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्लांट चल रहा है हमारा। और यहाँ ये लग रहे हैं हरी मिर्ची के प्लांट, तो इन वाले हरी मिर्ची के प्लांट को हमने फरवरी में लगाया था और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये वाले हमने विंटर सीजन में लगाए थे, तो विंटर सीजन में भी इनमें काफ़ी हरी मिर्ची आई थी और अब भी आप देख सकते हैं कितनी सारी इनमें हरी मिर्ची आ रही है। तो इनको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे जो भी हरी मिर्ची रेडी हो गई हैं। और दोस्तों, ये इस वाले प्लांट की हरी मिर्ची तो बहुत ही तेज़ हैं जो हमने विंटर सीजन में लगाई थी। अब की तो आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन ये जो विंटर सीजन वाली हैं बहुत तेज हैं ये हरी मिर्ची। और ये भी एक हरी मिर्ची का ही प्लांट लग रहा है, आप देख सकते हैं कितनी सारी हरी मिर्ची इसमें लगी हुई हैं। ये प्लांट भी हमारा विंटर सीजन का ही लगा हुआ है और हरी मिर्ची तो इसमें से हम लगातार तोड़ते ही रहते हैं। और यहाँ ये धनिया लग रहा है, तो धनिया को भी हार्वेस्ट करते रहते हैं। वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। ये लहसुन लग रहा है, तो लहसुन अभी रेडी नहीं हुआ है। नीचे हमने एक प्लांट निकाल के देखा था और ये हमने हरी मिर्ची की जो है पौधे डाल रखी है, सीड डाले थे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हमारे निकल आए हैं। और दोस्तों, यहाँ इन जो ग्रो बैग लगे हुए हैं 9x9 इंच के, तो अभी हमने 2 दिन पहले ही इनमें खरबूजे के और करेले के सीड डाले हैं, अभी वो नहीं निकले हैं। एक ये हमने पहले डाला था, ये निकल गया है। और ये लग रहे हैं हमारे जो एक खीरे के, देसी खीरे के प्लांट हैं और इसकी तो वाइन भी चलनी शुरू हो गई है। काफ़ी अच्छा प्लांट चल रहा है ये वाला हमारा। और दोस्तों, ये हैं टमाटर, तो आप देख सकते हैं टमाटर कितने ज़्यादा आए हुए हैं। ये टमाटर लग रहे हैं सभी पौधे, ये हमारे
अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब फरवरी के महीने में हमने लगाए थे, और अब तो इनमें टमाटर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। और दोस्तों ये लग रही हैं बीन्स, तो बीन्स के प्लांट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ये हमारी जो है सेलो ट्रे है, जिसमें हमने सेलो पॉट जिनमें हमने विंटर सीजन में पालक मेथी वगैरह ग्रो कर रखा था, और अब इनमें हमने ये बीन्स को ग्रो कर दिया। और दोस्तों ये है हमारे शिमला मिर्ची के प्लांट, तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्ची ये लग रही हैं, ये लग रही हैं, और भी कई पौधे हैं हमारे पास शिमला मिर्ची के। ये भी शिमला मिर्ची के ही हैं और छोटे छोटे पॉट में ही ग्रो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो 4 से 5 इंच का पॉट है, इसमें भी शिमला मिर्ची आ रही हैं, और अब तो करीब सभी पौधों में ही शिमला मिर्ची बन रही हैं। काफ़ी अच्छे से शिमला मिर्ची के प्लांट चल रहे हैं, पूरे विंटर भर इनमें शिमला मिर्ची आई है और अब भी इनमें शिमला मिर्ची आ रही है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे चाइनीज़ खीरे के प्लांट, वाइन चलती है इसकी, और आप देख सकते हैं इसमें ये चाइनीज़ खीरा लग रहा है, और इस वाले ग्रो बैग में भी ये चाइनीज़ खीरा लग रहा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये, और एक ये लग रहा है। तो 3-4 दिन में ये भी रेडी हो जाएंगे, तो अभी इनको हम नहीं हार्वेस्ट कर रहे हैं, जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये हमारी तरबूज के प्लांट लग रहे हैं, तो अभी 3 से 4 दिनों पहले ही हमने इनको यहाँ लगा दिया है, पहले तो ये जो है सीडलिंग ट्रे में लगे हुए थे। और ये हमारी लौकी का प्लांट लग रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी बढ़िया है। और ये विंटर सीजन का ही एक टमाटर का प्लांट है, और अब इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो जब तक चल रहा है वरना इसको निकाल देंगे और इसकी जगह हम गर्मियों के प्लांट लगा देंगे। और ये हमने ककड़ियों के सीड डाले थे, तो आप देख सकते हैं दोनों ही अच्छे से निकल गए हैं। इसमें भी हमने एक जो है पम्पकिन का सीड डाला है, लेकिन अभी वो नहीं निकला है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारी भिंडी, तो भिंडी के भी आप देख सकते हैं भिंडी आनी शुरू हो गई है, ये भिंडी आ रही हैं छोटी छोटी, और ये हमने ग्रो बैग में लगा रखी है। इनमें हमने जो है गर्मियों में इसमें पालक मेथी चने का साग इस तरह की सब्जियां लगा रखी थी, और इसमें भी भिंडियां हैं। तो भिंडी जैसे कि एक ग्रो बैग में लगाते हैं तो वो हमारे किचन में भी इस्तेमाल नहीं होती है, और इसलिए हमने ये 3-4 ग्रो बैग में भिंडी ही भिंडी के प्लांट लगा दिए हैं। ये भी आप देख सकते हैं भिंडी के ही पौधे लगे हुए हैं, और इसमें भी ये 3-4 भिंडी के ही प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि अब इनमें से एक बार में इतनी भिंडी निकल जाएगी कि हमारे किचन में इस्तेमाल हो जाएगी। और इसमें हमने ग्वारफली के सीड डाले थे, लेकिन वो अभी नहीं ग्रो हुए हैं। और दोस्तों ये हमारे टमाटर लग रहे हैं, तो टमाटर तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हैं, और ये हमने विंटर सीजन में लगाए थे, और विंटर सीजन में भी इनसे बहुत ज़्यादा टमाटर हमने जो है हार्वेस्ट किए थे, और अब भी इनमें टमाटर लग ही रहे हैं। तो ठीक है, जब तक प्लांट चलते हैं तो हम इनको हटाएंगे नहीं, और जब सूख जाएंगे तो इनमें भी बिल्कुल समर सीजन की सब्जियों को ग्रो कर देंगे। और टमाटर भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एकदम लाल लाल रेडी हो रहे हैं, तो दोनों तरह के टमाटर हैं, चाइनीज़ टमाटर भी है और नॉर्मल वाले टमाटर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे टमाटर के प्लांट चल रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी एक वाटर टैंक का आधा हिस्सा है, और इसमें आप देख सकते हैं हमने ये तरबूज का प्लांट लगा दिया था, अब इसकी वाइन चलनी शुरू हो गई है। और एक ये है कद्दू का प्लांट, तो कद्दू का प्लांट भी ये अच्छे से चल रहा है, हमने सीड लगाए थे इसमें। और ये एक यहाँ ककड़ी का भी सीड डाला था, ये निकल आया है। और दोस्तों ये है लौकी, तो लौकी का प्लांट भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है, और इसमें एक पहले से ही ये टमाटर का प्लांट लगा हुआ था, इसमें टमाटर भी देख सकते हैं कितने सारे आ रहे हैं, और हमने इसको निकाला नहीं। तो समर सीजन में इसमें हमने
जो है मूली ग्रो कर रखी थी, और यहाँ एक लौकी की वाइन चल रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें लौकी भी आनी शुरू हो गई है, ये छोटी छोटी लौकी बन भी रही हैं। और दोस्तों यहाँ इसी के पास जो है ये एक परवल की वाइन चल रही है, और ये लास्ट ईयर की ही है। और दोस्तों यहाँ वाटर टैंक का एक हिस्सा है जो उसमें ये टमाटर के प्लांट लग रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इनको हमने लगाया तो था विंटर सीजन में ही, लेकिन इनमें टमाटर अब आने शुरू हुए हैं, तो ये टमाटर आ रहे हैं इनमें। और प्लांट भी आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के होने के बाद में इनमें टमाटर आने शुरू हुए हैं। तो हमने इनको निकाला नहीं, क्योंकि इनमें टमाटर नहीं आए थे, इसलिए इनको लगा रहने दिया, और अब इनमें टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों इनमें इसमें जो है हमने ये एक ये वाटरमेलन तरबूज की वाइन लगी हुई है, और इसमें ये लग रहा है एक जो है हम तोरी का सीड डाला था, ये एक तोरी का है, और यहाँ भी एक ये तोरी का ही प्लांट निकल रहा है। हमने लास्ट ईयर इसमें जो है तोरी और खरबूजे लगाए थे, और काफ़ी सारे खरबूजे हमने जो है हार्वेस्ट भी किए थे, और आपके साथ हमने उनको शेयर भी किया था। और काफ़ी बड़े बड़े ये अब तो इसके टमाटर के प्लांट हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इनको किसी जो है डंडी के सहारे इनको सीधा खड़ा करके बांध दे। और इनमें ना ये दो विंटर सीजन से बंद गोभी भी लग रही हैं, एक ये है और एक ये है। अभी इनमें बंद गोभी नहीं बनी है, तो बनेगी तो ठीक है, वरना इन पौधों को हम कुछ दिनों के बाद में निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ना ज़्यादातर छाया रहती है। और दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने ककड़ी के पास में, तो आप देख सकते हैं ये लग रही है हमारी ककड़ी की वाइन। तो लास्ट ईयर भी इस वाले वाटर टैंक में ककड़ी ही हमने लगाई थी, और काफ़ी सारी ककड़ी हमने हार्वेस्ट की थी, और अब इसमें आप देख सकते हैं ये ककड़ी बननी शुरू हो गई हैं। एक ये बन रही है, और ये बन रही है, और ये बन रही हैं, ये हैं, ये है, और भी कई इधर उधर बन रही होंगी ककड़ी। क्यों, और ये बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही है। हमने इनके सीड को फरवरी के फर्स्ट वीक में ही लगा दिया था, और ये विंटर सीजन के इस वाले ग्रो बैग में भी ये टमाटर के प्लांट लग रहे हैं। तो इनको भी है ना इस तरह से एक साइड करके बांध देंगे, तो इस इनको फिर ककड़ी की वाइन को जो है स्पेस मिल जाएगा अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। बहुत बढ़िया हमारी ये ककड़ी की वाइन चल रही हैं, और ककड़ी भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बननी शुरू हो गई हैं। तो 4-5 दिनों में ये ककड़ी हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगी, और जब इनको हार्वेस्ट करेंगे तो आपके साथ बिल्कुल हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्ट है, ये कुछ बैंगन हैं, कुछ टमाटर हैं, और ये कुछ हरी मिर्ची को हमने हार्वेस्ट किया है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा किचन गार्डन और हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।